भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जया एकादशी, अजय एकादशी, भीष्म एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब रहेगी, एकादशी व्रत आपको कब शुरू करना है तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा और इस एकादशी में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, अजा एकादशी, भीष्म एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी 2024 सोमवार की सुबह 8:51 से हो जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2024 मंगलवार की सुबह 9:56 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी रहेगी, जिसे हरिवासर कहा जाता है, वो 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को एकादशी का व्रत करना है और इस व्रत का पारणा, पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। व्रत खोलने का जो दिन है, व्रत खोलने का जो समय है, वो 21 फरवरी 2024 बुधवार की सुबह 7:13 से लेकर के 9:13 तक रहेगा। यानी इसी दिन सभी को व्रत का पारणा करना चाहिए। जैसे अगले दिन प्रदोष का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, तो आपको फल या फलाहारी वस्तु से इस व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो भी इस एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इसी दिन भीष्म पितामह के माध्यम से विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस एकादशी को भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम की किताब का या ग्रंथ का दान भी इस दिन मंदिर में या ब्राह्मण देवता को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन महाभारत के बाद कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्यु शैया यानी बाणों के ऊपर सोए हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान किया था। विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति, विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म इसी एकादशी के दिन हुआ था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के राजा जब वे स्वयं जीवन में अनुसरण करने वाले सबसे बड़े धर्म के बारे में भ्रमित थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को दिया था, जब युधिष्ठिर असमंजस में थे कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बजाय कृष्ण युधिष्ठिर को उसके संदेह दूर करने के लिए महान योद्धा भीष्म पितामह के पास लेकर गए। जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म के पास ले गए तो भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने पा करके अपने आप को धन्य पाया और कहा कि हे दामोदर, हे मधुसूदन, आज आपने मुझे दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया है। उन्होंने अपने नेत्रों से प्रभु को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि भीष्म पितामह, आज मैं पांचों पांडवों को आपकी शरण में लेकर आया हूं और इन्हें आप धर्म का उपदेश दीजिए। तब भीष्म पितामह ने भगवान को नमन करते हुए कहा कि हे दामोदर, हे मधुसूदन, मैं क्या धर्म का उपदेश करूं, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप तो परब्रह्म हैं, आप तो परमात्मा हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपके पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है, मैं तो आपके सामने शून्य हूं।
फिर भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से निवेदन किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर संकेत किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहला जो प्रश्न किया था उसमें यह पूछा था कि हे पितामह, दुनिया में सबसे महान और सबसे बड़े देवता कौन है। दूसरा प्रश्न किया कि सभी के लिए कौन से देवता की शरण उत्तम रहती है, किसकी शरण में जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया किसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए और किसकी महिमा का किसकी स्तुति करने से मनुष्य शुभ शांति और समृद्धि तक पहुंच सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा किसकी पूजा करने से मनुष्य को शुभता यानी जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न पूछा कि आपकी राय में सबसे बड़ा धर्म क्या है। छठा प्रश्न पूछा किसका जाप करने से प्राणी संसार के बंधनों से परे यानी मुक्त हो सकता है, बंधनों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने 6 प्रश्न भीष्म पितामह से इसी एकादशी के दिन किए थे। भीष्म पितामह ने उत्तर देते हुए कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से, भगवान विष्णु जी की शरण प्राप्त करने से, भगवान विष्णु जी की महिमा का गुणगान करने से और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और उसी समय उन्होंने कहा कि जो सर्वव्यापी है, सर्वोच्च है, विष्णु के हजारों नाम है, जो सभी दुनिया का संसार का स्वामी है, सर्वोच्च प्रकाश सार है, ब्रह्मांड और ब्रह्म है, सभी चेतन और निर्जीव पदार्थ उन्हीं में निवास करते हैं और वह बदले में सभी पदार्थों के भीतर निवास करता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे बड़े यदि कोई देवता है जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए, जिनकी महिमा का गुणगान हमें करना चाहिए, वह परब्रह्म भगवान विष्णु है। और उसी समय भीष्म पितामह ने भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया। उसी समय विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी की प्रार्थना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का दान करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी की जो महिमा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नभ असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गो माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना गया है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है, कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, दया निधान है, दया के सागर है। इसलिए उनसे आप हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करेंगे तो निश्चय ही उनको क्षमादान प्राप्त होगा।
दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री यदि अपने मायके में भोजन करती है तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनी भोक्षामी पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प हम आपको अन्य वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, उसको आप देख करके सुन करके उस विधि से आपको संकल्प धारण करना है। एकादशी के दिन सर्वप्रथम पूजा अर्चना करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। एक समय फलाहार करे, दो समय फलाहार करे, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना है। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि जो अन्न की वस्तुएं होती है, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध, दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, साबूदाना, मूंगफली दाना और अन्य प्रकार के जो शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। दिन में यदि गलती से सो लेते हैं तो स्नान करके ही शाम को पूजन अर्चन करें और भगवान नारायण का, भगवान विष्णु जी का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का पूजन करके ब्राह्मण देवता को दान अवश्य करें। यदि आप पुस्तक का दान नहीं कर पाते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक के निमित्त ब्राह्मण देवता को इस हेतु नगद धन राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। और पूजन पाठ संपन्न होने के बाद सुबह या शाम एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको व्रत नहीं खोलना है। एकादशी का जो व्रत है वो 20 फरवरी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो कि 21 फरवरी के सूर्योदय तक लगातार चलता रहेगा। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना गया है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में आने के बाद कहीं मनुष्य जीवन मिलता है और इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों को एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस उद्देश्य से एकादशी व्रत रखना चाहिए तथा पितरों को मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए, पितृदोष से शांति करवाने के लिए, अपने मृतक पूर्वजों की तृप्ति के लिए एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। अपने माता पिता के नाम से या मृतक पूर्वजों के नाम से एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है तथा श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो जाता है। अजा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है।
अजा एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अजा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरे घर में गंगा जल छिड़क करके घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी जी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों की कथा या पाठ भी करना चाहिए। अजा एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन या कीर्तन भी करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके या आटा दाल चावल सीधा सामग्री दान करके या फिर उन्हें नगद धन राशि देकर के ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। पारणा का मतलब होता है व्रत को खोलना। एकादशी पारणा व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। पारण को हरिवासर के दौरान यानी एकादशी के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की एक चौथाई अवधि के बराबर है। उपवास तोड़ने का या व्रत खोलने का जो सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है वो अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि मानी गई है। मध्यान्ह के दौरान कभी भी व्रत का पारणा या व्रत नहीं खोलना चाहिए। यदि कुछ कारणों से प्रातः काल के दौरान उपवास न खोल सके तो व्रत मध्यान्ह के बाद ही आपको खोलना चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, अजा एकादशी, भीष्म एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी 2024 सोमवार की सुबह 8:51 से हो जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2024 मंगलवार की सुबह 9:56 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को एकादशी का व्रत इस बार 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रखना है। 19 फरवरी को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है, 20 फरवरी को एकादशी का व्रत करना है और 21 फरवरी को यानी बुधवार की सुबह 7:13 से लेकर के 9:13 तक व्रत का पारणा करना होगा, यानी व्रत को आपको खोल लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप जया एकादशी, अजा एकादशी, भीष्म एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं या फिर एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक का दान हमारे माध्यम से 11 ब्राह्मणों, 21 ब्राह्मणों, 51 ब्राह्मणों को करना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इस हेतु नगद धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके जया एकादशी, अजा एकादशी, भीष्म एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।